राजस्थान के बारां छिपाबड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा मंगलवार राजा कोटिया भील की मूर्ति का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा FFC योजना 1 करोड़ का कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उर्मिला जैन भाया, जिला प्रमुख अध्यक्षता सरपंच सरिता शर्मा, ग्राम पंचायत पछाड़ विशिष्ट अतिथि मूलचंद शर्मा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी बारा छिपा बड़ौद प्रदीप काबरा, जिला परिषद सदस्य इंटरलॉकिंग नाला निर्माण कार्य सुलभ शौचालय अधिकारियों का लोकार्पण किया गया। 25 वर्ष में पहली बार ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बह रही है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरपंच द्वारा क्षेत्र में विकास की गति लगातार बढ़ती जा रही है। कोटा का निर्माण करने वाले राजा कोटिया भील की मूर्ति का लोकार्पण किया गया, जो छिपा बड़ौद तहसील में प्रथम गांव है। ग्राम पंचायत पछाड़ द्वारा कोटा संभाग में पहली ग्राम पंचायत पछाड़ ग्राम मियाड़ा में कोटिया भील की मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष रेवती रमण घेरा, दिग्विजय सिंह गुर्जर, महेंद्र सिंह चौधरी, सुरेंद्र प्रधान, ब्रजराज मीणा, द्वारका लाल धाकड़, सत्यनारायण नागर, ग्राम पंचायत के समस्त जनप्रतिनिधि, क्षेत्र में कार्यरत हजारों की तादाद में ग्रामीण वासी, महिला पुरुष बच्चे पहुंचे। जिला प्रमुख द्वारा आदिवासी भील गांव में पहुंचकर राजा कोटिया भील की मूर्ति का लोकार्पण किया गया। मैं जब से जिला प्रमुख बनी तो आए दिन वो 15 दिन में जिला परिषद आ ही जाते हैं। कुछ ना कुछ काम जो भी होता है वो आप बताओ। तो उसके तहत हमें एक आश्रम का भी बोला था, उसका भी आज यूज किया, रोड का भी है और भी जो काम आज जैसे स्कूल का भी बोला इन्होंने। ये जो छात्र साहब 3 साल में उन्होंने इतना काम करवा दिया है कि शायद भी ना मुमकिन है काम। ये भी ये एक्टिव है, बहुत काम करा रहे हैं। आज मौका मिला, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। जिन्होंने बलिदान दिया कोयला बसाने में, ऐसे राजा का क्या हमने आज किया। हम सबको उन्हीं की बातों का अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन में उतार। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।